यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद तबाही का मंजर पसरा हुआ है। जंग के तीसरे दिन भी भारी गोलीबारी जारी है, लेकिन अब भारत जो है वो फोकस में आ गया है। यहां तक कि रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्रपति मोदी के संपर्क में हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या है उनकी गुहार, आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके बताया है कि उनकी बात आज प्रधानमंत्री मोदी से हुई, जिन्हें उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी। 1 लाख से ज्यादा इन्वेडर्स हमारी जमीन पर हैं, ऐसा ज़ेलेंस्की ने कहा। बड़ी चालाकी से रिहायशी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पर फायर कर रहे हैं ये इन्वेडर्स। मैंने भारत से आग्रह किया है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पॉलिटिकल सपोर्ट दे, मिलकर इस आक्रमणकारियों को रोके। दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, इसे प्रधानमंत्री ने भी कंफर्म किया। पीएमओ द्वारा जारी की गई एक स्टेटमेंट में कहा गया कि मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के साथ तनाव पर जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बातचीत में जानमाल के नुकसान पर गहरा शोक जताया। प्रधानमंत्री ने हिंसा को रोकने की बात पर फिर जोर दिया और डायलॉग यानी बातचीत से मामला हल करने को कहा। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने को लेकर भारत कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसके अलावा मोदी ने यूक्रेन में भारतीय नागरिक स्टूडेंट्स को लेकर भी चिंता जताई और यूक्रेन से सेफ इवैक्यूएशन की बात कही। आपको याद दिला दें, शुक्रवार देर रात यूक्रेन के खिलाफ रूस के विशेष सैन्य अभियान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में रूस के हमले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें 15 सदस्य देशों को वोटिंग करनी थी। सबकी नजर भारत के रुख पर थी, लेकिन चीन और यूएई समेत भारत ने ना तो इसके पक्ष में वोट किया और ना ही इसके विरोध में कोई वोट किया, यानी इन देशों ने वोट ही नहीं किया। वहीं प्रस्ताव के पक्ष में 11 सदस्यों ने वोट किया। हालांकि प्रस्ताव को रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर रोक दिया। इसके लिए रूस ने बतौर स्थायी सदस्य अपने वीटो का इस्तेमाल किया। बता दें कि रूस सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है, जिसके पास वीटो पावर है। रूस के अलावा अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास भी वीटो पावर है। इस सबके बीच रूस और यूक्रेन में तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जहां यूक्रेन ने भारत से प्रधानमंत्री मोदी से पॉलिटिकल सपोर्ट मांगा है, वहीं रूस भारत के वोटिंग से एब्सटेन करने वाले फैसले से बेहद खुश है। रशियन एम्बेसी की तरफ से जारी की गई एक स्टेटमेंट में कहा गया कि वोटिंग में दिखाई गई भारत की स्वतंत्र और बैलेंस्ड पोजीशन से रूस बेहद खुश है और अप्रिशिएट करता है। दोनों देशों की स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के मद्देनजर रूस भारत से यूक्रेन को लेकर चल रही स्थिति पर बातचीत करने को लेकर प्रतिबद्ध है। चलिए अब आपको यहाँ कुछ समीकरण भी बता देते हैं, उससे आप कहीं ना कहीं खुद अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर भारत ने यूएनएससी में वोटिंग से एब्सटेन क्यों किया। दरअसल भारत लंबे वक्त से रूस का मित्र देश रहा है। रूस भारत को हथियार और रक्षा इक्विपमेंट देता है। हालांकि दोनों के रिश्ते केवल रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड की फिल्में रूस में रिलीज होती हैं, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जो है वो रूस में पढ़ते हैं। भारत का यूक्रेन के साथ भी व्यापारिक रिश्ता है और इन दोनों देशों में भारत के काफी नागरिक रहते हैं। यूक्रेन में ज्यादातर लोग पढ़ने जाते हैं, वहीं रूस में पढ़ाई के साथ साथ कई भारतीय नौकरी के लिए भी जाते हैं। शायद आप इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत के हर कदम का महत्व पता लगेगा। वैसे भारत ने यूएनएससी बैठक से पहले भी अपने किसी भी आधिकारिक बयान में ना तो रूस की निंदा की है और ना ही यूक्रेन की संप्रभुता को रेखांकित किया है, लेकिन अब दोनों ही देश भारत की तरफ आस लगाए बैठे हैं। हालांकि भारत की फिलहाल बस एक ही राय है और वो है डायलॉग, शांति। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।